गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल रिज्यूम अवर चैप्टर टू गेट गुड इन दैचुर ऑफ डेड एंड डी कम्पोज प्लांट पार्ट एंड एनिमल डा है बेटा अब फसलें आपने उगा ली लेकिन उनको क्या चाहिए होती है बहुत देखभाल की जरूरत होती है उनकी पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो इसके लिए जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं उसके अंदर मेन्योर खाद डालते हैं और ये खाद क्या होती है नेचुरल चीजों से ही बनी होती है जो जीव जंतु मर जाते हैं जो प्लांट्स क्या हो जाते हैं डेड हो जाते हैं एनिमल डांग गोबर जो होता है वेस्ट जो होता है एनिमल का उससे क्या बनाते हैं वो खाद बनाते हैं Animals also add fertilizers to the soil to increase crop production. Some of the common fertilizers used are urea, superphosphate, and ammonium phosphate. Use of fertilizers for the long time is harmful for the soil as well as the crop. This is the Farmers do? फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं सॉइल के अंदर ताकि वो अपनी पैदावार को अपनी फसल को ज्यादा से ज्यादा उगा सके उनको ज्यादा फसल मिल सके और उसको बेच कर उनको ज्यादा पैसे मिले लेकिन क्या है बेटा कुछ कॉमन फर्टिलाइजर्स हैं जैसे यूरिया सुपर फॉस्फेट एमोनियम फॉस्फेट ये नाम है फर्टिलाइजर्स के अगर हम फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो जो मिट्टी होती है उसका सारा उपजाऊपन धीरे धीरे क्या हो जाता है खत्म हो जाता है और वो हार्मफुल होती है हमारी फसल के लिए भी अब द नेक्स्ट टॉपिक टू गेट अ गुड क्रॉप फार्मर्स फॉलो अ फ्यू स्टेप्स किसान ज्यादा से ज्यादा फसल अच्छी से अच्छी फसल उगाने के लिए ज्यादा और अच्छी फसल उगाने के लिए कुछ चीजें फॉलो करते हैं सबसे पहले आता प्लॉइंग फ्लोइंग डिगिंग ऑफ सॉइल हेल्प ऑफ फ्लो आइदर बाय ट्रैक्टर्स इट हेल्प टू लूज इन दॉल फ्लोइंग होता है बेटा खोदना मिट्टी को खोदते हैं वो अच्छे से डिग करते हैं किसकी मदद से प्लॉ की मदद से जो किस पर या तो एनिमल से चलता है चलाते हैं उसका या फिर ट्रैक्टर्स का भी वो इस्तेमाल करते हैं आजकल और इससे क्या होता है मिट्टी लूज हो जाती है अब आप, आपको कहीं पर भी पेड़ लगाना है तो हम क्या होता है ठोस मिट्टी के अंदर पेड़ नहीं लगा सकते इसीलिए उस मिट्टी को क्या करना पड़ता है लूज करना पड़ता है ताकि हम उसमें अच्छे से प्लांट्स को उगा सके द नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग are sown सोन एट अ राइट in इन soil. Healthy एंड ripe सीड्स ऑफ द बेस्ट वराइटी आर एंड सिलेक्टेड are सोन बीजों को बोना सही सही जगह पर सही डेप्थ डेप्थ होता है बेटा गहराई में सही गहराई पर बीजों को बोना क्या कहलाता है सोइंग कहलाता है आपका इसके लिए किसान क्या करते है? अच्छी हैं अच्छी वैरायटी के स्वस्थ बीज लेकर आते हैं हेल्दी बीज होते हैं वो जो किसी भी तरीके से खराब नहीं होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं उनको बोते हैं द नेक्स्ट स्टेप इज मैन्योरिंग

प्लांट्स को सही न्यूट्रिशन की जरूरत होती है जैसे आप लोगों को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं इसी तरीके से प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स उनको किस से मिलते हैं खाद से मिलते हैं खाद आपका क्या है एक ऑर्गेनिक वेस्ट है जो कहां से मिलता है आपको एनिमल से मिलता है नेक्स्ट इज इरीगेशन plants need water the process of watering the plants in the field is called irrigation there are various ways to irrigate the field such as canal system tube well dug wells rivers and ponds irrigation irrigation matlab pani dena आपने पौधे लगा दिए लेकिन अगर उसको आप पानी नहीं दोगे तो वो सारे क्या हो जाते हैं या सूख जाते हैं जल जाते हैं खत्म हो जाते हैं जिस तरीके से आप लोगों को भी पानी चाहिए होता है इसी तरीके से प्लांट्स को भी क्या चाहिए होता है पानी चाहिए होता है और वो प्रोसेस जिसमें आप प्लांट्स को फील्ड्स को पानी देते हैं वो क्या कहलाता है इरिगेशन कहलाता है अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं प्लांट फील्ड में खेतों में पानी देते हैं कैनाल सिस्टम कैनाल सिस्टम का इस्तेमाल करके ट्यूबवेल से डे से रिवर से पोन से इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है इरीगेशन में कहीं पर किसी का इस्तेमाल किया जाता है कहीं पर कोई टेक्निक यूज की जाती है नाव वी हैव स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टीसाइड फॉर्मल स्प्रे कैमिकल सच एज पेस्टिसाइड इंसेक्टीसाइड्स टू किल द इंसेक्ट दैट अटैक द क्रॉप फसलें उगा दी आपने अपने सही समय पर पानी दे रहे हो खाद डाल रहे हो लेकिन कई बार कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जीव जंतु होते हैं जो उन प्लांट्स को क्या कर देते हैं उस क्रॉप को भी खराब कर सकते हैं उनको वो उनको उनके आ, उनको वो खत्म करने के लिए क्या किया जाता है कुछ केमिकल्स फसलों पर डाले जाते हैं उनका छिड़काव किया जाता है उसे बोलते हैं हम पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टीसाइड नाउ वी है लास्ट दस्ट स्टेप इज हारोसेस हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इनक्लूड राइपिंग कटिंग ऑफ द स्टैंड क्रॉप एंड विनोइंग सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चेफ द हार्वेस्टेड इज देंट फॉर सेल और फॉर स्टोरेज हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करना वो प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं मेच्योर 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 मतलब जो अच्छे से पक गई होती है फसलें उनको काटना इसमें उनको काटकर अच्छे से उनको सेपरेट करना उनके चार से जो उनका बाकी बचा हुआ हो सकता है ग्रीन को उनसे सेपरेट किया जाता है और उसको भेज दिया जाता है या तो बेचने के लिए या फिर उसको अच्छे से स्टोर करने के लिए नाउ द लास्ट स्टेप इज स्टोरिंग द हार्वेस्ट इज यील्ड

आपने अच्छे से काट ली उसको अब उसको अच्छे से प्रॉपरली स्टोर करना भी बहुत जरूरी होता है अगर आप उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है जो मौसम होता है वो उसको खराब कर सकता है रोडेंट्स मतलब जैसे रेड वो उनको खराब कर सकते हैं इसीलिए और आप फर्दर उसको यूज फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे ठीक है जैसे आपने गेहूं गेहूं आजकल आएगी अगर आप गेहूं को प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएगी एंड इट्स ऑफ नो यूज इसीलिए क्या किया गया है क्या करते हैं हम उसको प्रॉपरली स्टोर करना भी ताकि हम उसको आगे तक इस्तेमाल कर सकें बहुत जरूरी होता है दैट्स ऑल फॉर द डे हैव अ गुड डे स्टे होम स्टे सेफ द रेस्ट नेक्स्ट डे वी विल डू द एक्सरसाइज थैंक यू